बाकी था यस सर, फोर्थ वाला। सर कुड यू टेल द करेक्शन सर? हाँ देखो, करेक्शन ये थी कि यहाँ पर हमने लेक्चर नंबर, सर मुझे डाउट है सर प्लेन मिरर का, एक मिनट रुक जाओ भाई। लेक्चर नंबर 12 जो था उसमें यहाँ पर मैंने लैटरल कॉमन लैटरल स्लैश लॉन्गिट्यूडनल लिखवाया था, तो एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाला है और लैटरल वो परपेंडिकुलर वाला मैग्निफिकेशन होता है। ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स एंड लैटरल मैग्निफिकेशन आर द सेम थिंग, वो बताता है कि हाइट कितने से मैग्निफाई हो गई है। लॉन्गिट्यूडनल उन दोनों से अलग है, ये बताता है लेंथ कितने गुना मैग्निफाई हो गई है। सबको क्लियर है? वो पॉइंट चेंज नहीं होता है ना सर कि लैटरल इन्वर्टेड होता है इमेज? हाँ, लैटरल इन्वर्जन का मतलब ये है कि भाई अगर एरो ऐसे है तो एरो ऐसे होगी, उसका मीनिंग लैटरल इन्वर्जन। एक्चुअली उसी की वजह से मैं कंफ्यूज हो गया था, मेरे को याद था कि लैटरल इन्वर्जन इस चीज को बोलते हैं कि एरो ऐसे है तो ऐसे आ गई, तो मुझे लगा था कि यार शायद लैटरल मैग्निफिकेशन इसी को बोलते होंगे लेंथ वाली को, बट वो गलत निकला। I was just going through some books and I found out कि यार एक mistake हो गई अपने से वहां पे, ठीक है? तो करेक्शन कर लेना यार, यहां से मैंने हटा दिया अपने नोट से लैटरल शब्द था यहाँ पर, वो यहाँ से हटा के उसको ट्रांसवर्स वाले में लिख लेना, जहां पर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन लिखा था उसी को लैटरल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। इट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द हाइट। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मतलब लेंथ की मैग्निफिकेशन, कौन सी लेंथ? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली लेंथ है। आई होप आई एम बीइंग वेरी क्लियर। यस बोलो सर, ये भी आएगा क्या टीडब्ल्यू में? क्या चीज सर? ये लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन और लैटरल। देखो टीडब्ल्यूटी में क्या है मैं बताता हूँ, टीडब्ल्यूटी में आएगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर आती है दो चीजें, एक आता है प्लेन मिरर, एक आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के अंदर हम मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं, तो अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं वो सारी की सारी आएंगी टीडब्ल्यूटी में। इनफैक्ट कल के लेक्चर में भी जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी आएगा टीडब्ल्यूटी में। इज इट क्लियर एनफ? यस सर। सो विल यू डू दोस कॉम्बिनेशन? साउंड्स लाइक प्लेन मिरर। यस यस, आई विल डू दोस। हां आई विल डू दोस टुमारो। ओके जस्ट टेक नोट दो मेरे को। हाँ देखो तो वाले सब मैं कल करा देता हूँ, अभी पहले होमवर्क नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। एंड अनदर अनाउंसमेंट, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा होमवर्क 3 हो गया पूरा सॉल्व, आप और होमवर्क दे सकते हो क्या? तो मैंने होमवर्क नंबर 4 भेजा है ग्रुप पे, मतलब ग्रुप पे नहीं भेजा है, वो अपलोड कर दिया ड्राइव पे। सो इफ यू विश यू कैन सॉल्व दैट और उसके डाउट्स। सर वो एचसी वर्मा का है ना? वो एचसी वर्मा में से है, एचसी वर्मा में से जितने भी रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन है वो मैंने मार्क कर दिए। ओके बट यार उनके डिस्कशन ऑब्वियसली कल तो नहीं हो पाएगा शायद, बिकॉज कल अपने को थोड़ी बहुत और चीजें पढ़नी है, जो लेक्चर वाले होमवर्क क्वेश्चंस थे वो भी डिस्कस करने, तो वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में ही डिस्कस हो पाएगा। ठीक है, सो टेक इट एज अ सेल्फ प्रैक्टिस। एचसी वर्मा के सॉल्यूशंस की पीडीएफ अवेलेबल है ऑनलाइन, मैं एक काम करूंगा मैं भी उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, होमवर्क नंबर 4 इज फ्रॉम एचसी वर्मा, उसके सॉल्यूशंस भी साथ में मैं अपलोड कर दूंगा जो कि ऑफिशियल सॉल्यूशंस। खैर एचसी वर्मा ने नहीं पब्लिश किए, किसी और ने पब्लिश किए वो, बट वुड आई डिस्कस दोस? यस, वुड आई डिस्कस दोस बिफोर टीडब्ल्यूटी? टाइम नहीं है टीडब्ल्यूटी से पहले उसको डिस्कस करने का, उसके बाद प्रैक्टिस कर लूंगा, उसके बाद डिस्कस करवा दूंगा। फिर देख क्यों रहा हूं मैं टीडब्ल्यूटी, एक मिनट रुक जाओ, फिर मैं देख क्यों रहा हूं टीडब्ल्यूटी के पहले अगर मैं डिस्कस ही नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज सम पीपल वॉन्टेड समथिंग फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, दैट इज वाई। क्लियर है भाई? सर हम लोग कल भी करेंगे और फिर सर वो भी टीडब्ल्यू में आएगा, तो फिर सर मतलब बहुत कम टाइम होगा ना, मतलब आई थिंक इट्स कल हम कुछ, मेरी बात सुनो, कल हम कुछ नया नहीं करेंगे भाई, वी वुड नॉट बी डूइंग एनीथिंग न्यू। पिछली क्लास के एंड में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आई वुड बी डिस्कसिंग दोस क्वेश्चंस इन टुमारोस क्लास। समझ में आया? सो लाइक इन प्रीवियस क्लास लाइक देयर आर सम क्वेश्चंस इन दिस होमवर्क आल्सो लाइक व्हिच आर देयर ऑफ द सेम टाइप। ओके हाँ ठीक है, तो वो सारे के सारे कल कर लेंगे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन, जहां जहां दिक्कतें हैं तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज होमवर्क नंबर 3, मुझे बताओ कहाँ से शुरू करना है। तुम लोग पेज नंबर बता दो, फ्रॉम द पेस मॉड्यूल, पेस मॉड्यूल के नीचे यहाँ पर तुम्हें पेज नंबर दिखेंगे, जैसे 318 है, तो पेज नंबर बताओ और मुझे बताओ
मैं सॉल्व कर दूंगा जहां जहां दिक्कतें हैं. लेट्स डू वन थिंग, चैट बॉक्स पे लिख लेते हैं जिस जिसके डाउट्स हैं. सर इससे अच्छा आप स्क्रॉल करोगे, हम हैंड रेज कर देंगे. चलेगा यार, बट वो यूजुअली थोड़ा सा लंबा होता है. लोग फालतू में हाथ उठाते रहते हैं. ठीक है, जो लोग सिंसियर नहीं है, जो कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो हर एक में हाथ उठा देंगे. वो नहीं चाहता मैं. तुम्हें जिसमें जेन्युइनली डाउट है, तुमने ट्राई किया है, okay, उस सवाल का पेज नंबर लिख दो. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर लिख दो. ओके, पेज 320 इलस्ट्रेशन 16. आई विल स्टार्ट विद दिस, जस्ट अ सेकंड. हां अक्षत कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, डू नॉट वरी. इक्वेशन चल रहा है उसको वन वन कर. ठीक है, सबसे पहले ये वाला डाउट आया. तो इस डाउट में क्या लिखा हो, इस सवाल में क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ पॉइंट पी फॉर्मड आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस कंसीडरिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट द कॉनकेव मिरर देन एट द कॉन्वेक्स मिरर. तो इनमें से कॉनकेव कौन सा, कॉन्वेक्स कौन सा. तो यार देखो, इधर पे इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो है कौन सा वाला, ये वाला जो मिरर है, दिस इज द कॉन्वेक्स वन, एंड ये जो है ये वाला कॉनकेव लग रहा है मुझे. समझ में आ रहा है तुम लोगों को. एंड ऑफ कोर्स अगर यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इधर पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर पे है, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना. ऐसा नहीं हो सकता है कि ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स है, अदरवाइज तो दोनों ही इमेज नहीं बना पाएंगे. तो अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो यहाँ एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए और यहाँ एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए. तो ये वाला तुम्हारा कॉन्वेक्स हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा कॉनकेव हो जाएगा. अब ये मैंने क्यों एक्सप्लेन किया, बिकॉज फिगर थोड़ा सा क्लियर नहीं है. तो यहाँ पर दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज द कॉनकेव मिरर. अब इसका जो आंसर दिया है ना, आंसर में एक छोटी सी मिस्टेक है. मिस्टेक क्या है मैं बताता हूँ. यहाँ पर फाइनल इमेज के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिखे हैं 30, -14, और इधर पे उन्होंने जो लिखा है वो लिखा है -30, -14. तो कौन सा वाला सही है, इमेज में एकदम सही वाला लिखा है. ये जो यहाँ पर इमेज है इसमें इन्होंने एकदम सही वाला लिखा है. तो यार तुम्हारा डाउट यही था क्या कि यू आर गेटिंग +30 ओवर हियर एंड इनका -30, वही डाउट है क्या तुम्हारा? Is that your doubt or should I solve the entire solving approach? Solving approach. ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं solving approach बता देता हूँ. फिर देखो यहां पर क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया तुम लोगों को, दो तरह से इमेजेस बन सकती है, या तो इन रेस से बनेगी या फिर इन रेस से बनेगी. इस तरफ निकलने वाली जो रेस हैं, वो कॉनकेव मिरर पे पहले टकराएंगी, पहले इस पे रिफ्लेक्शन होगा, पहले इस पे इमेज बनाएंगी. तो हमें वही करना है, हमें वो रेस कंसिडर करनी जिनका पहला रिफ्लेक्शन कॉनकेव वाले मिरर पे होता है. ये कॉनकेव वाला मिरर है, इस पे पहली बार रिफ्लेक्शन जिन रेस की होगी, फिर वो आगे पीछे चलती जाएंगी, जो कुछ भी है उनकी इमेजेस के बारे में बात करना है. तो सबसे पहले इसकी इमेज इसमें बना दो, फिर वहां पर जो इमेज आएगी उसकी इमेज यहां पर निकाल लिया. देखो समझ में आ रहा है सब लोगों को, जल्दी बताओ. दोनों मिरर के लिए साइन कन्वेंशन ऑपोजिट लेना पड़ेगा ना. हाँ, अब देखो इसको कैसे करना है मैं बता देता हूँ, जस्ट एक मिनट रुको. दिस वुड एक्ट एज अ प्रैक्टिस फॉर दोज क्वेश्चंस जो मैंने होमवर्क में दिए थे, पिछली स्लाइड के एंड में थे, तो वो भी हो जाएंगे इसको करने के बाद. तो इसको मैं अच्छे से लिख के कर देता हूं, स्लाइड में पेस्ट करते हैं इसको. जस्ट एक मिनट दो, स्लाइड कहां गए भैया, एक मिनट को. तो देखो सबसे पहले रिफ्लेक्शन एट M1 के बारे में बात करते हैं. रिफ्लेक्शन एट M1 के बारे में बात करते हैं. ये पहली इमेज, इससे पहली इमेज बनेगी, इसकी इमेज इस मिरर से बना रहे हैं, कॉनकेव वाले से. तो अगर यहां से रेस आते हुए मानोगे तुम और ये पोल को ओरिजिन मानोगे, तो इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेना पड़ेगा तुम्हें. सो यहां पर फॉर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन तुम्हें इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस माननी पड़ेगी, इसको प्लस एक्स एक्सिस बोल दो. इस वाले मिरर के लिए इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है -20, जो फोकल लेंथ है वो है -15. ये चीज क्लियर है सब लोगों को? तो जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन है
M1 मिरर पे उसके लिए U की वैल्यू हमें -20 सेंटीमीटर लिखनी है और फोकल लेंथ की वैल्यू हमें लिखनी है -15 सेंटीमीटर. अब मेरे पास इमेज की पोजीशन क्या आएगी, 1/f - 1/u, 1/-15, -1/-20 आ जाएगा. अब इन दोनों का जब LCM लेंगे तो 60 डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, सो 1/-60 आएगा. सो v की वैल्यू मेरे पास क्या जाती है, -60 सेंटीमीटर आ जाती है. -60 का मतलब क्या है कि भाई ये जो मिरर है इसकी पॉजिटिव x एक्सिस ये है, तो इसमें -60 सेंटीमीटर x कोऑर्डिनेट कौन सा हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर x कोऑर्डिनेट ये वाला है. तो यहां पर इसकी इमेज बनना चाहती है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां से जो भी रेज आई वो रिफ्लेक्ट होकर यहां पर मीट करना चाह रही थी, दे वांटेड टू मीट ओवर हियर, बट वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगे. बट ये बताओ, सॉरी, ये रिफ्लेक्टेड रेज यहां पर मीट करना चाह रही थी बट वहां पर मीट नहीं हो पाएंगे. दीज रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम M1 वुड नॉट बी एबल टू मीट एट दिस पॉइंट जहां पर इमेज बननी थी. इंस्टेड क्या होगा, दे वुड अंडरगो रिफ्लेक्शन एट दिस मिरर. ये जो मिरर है ये उनको रिफ्लेक्ट कर देगा एंड शायद वो कहीं पर कॉन्वर्ज कर जाए, कहीं पर इमेज बना दे. ये चीज समझ में आ रही है सब लोगों को, बताओ? Yes. Yes, sir. अभी बताओ, इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, सुनो ध्यान से, इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रेज M2 पर पड़ रही हैं, क्या वो M2 के लिए इंसिडेंट रेज हैं? अग्री करते हो? Yes, sir. Yes, sir. वो लेट्स से यहां कहीं मीट कर रही हैं, तो ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा. ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है बताओ? क्यों करेगी? बिकॉज उससे रिफ्लेक्ट होके जो रेज आ रही है, M1 से रिफ्लेक्ट होकर जो रेज आ रही है, दे आर इंसिडेंट ऑन दिस मिरर. तो अगर इस पे इंसिडेंट रेज आ रही है एंड दे आर एबल टू मीट एट सम पॉइंट, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, चाहे वो रियल हो या फिर वर्चुअल हो, फर्क नहीं पड़ता है. अब क्या इन रेज को फर्दर ये वाला मिरर रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्या लगता है? नहीं करेगा सर. क्यों नहीं करेगा भाई? सर वो बिहाइंड द मिरर है ना. करेगा सर. सर करेगा. अगर बस हमें u को पॉजिटिव लेना होगा, f तो है ही पॉजिटिव. सर एग्जैक्टली में आ रहा. देखो मेरे को एक चीज बताओ, अगर किसी मिरर पे रोशनी गिर रही है तो क्या वो मिरर अपने हाथ उठा लेगा कि नहीं भैया मुझे रिफ्लेक्ट नहीं करना है, कि उसको रिफ्लेक्ट करना ही पड़ेगा, क्या लगता है? करना ही पड़ेगा. तो अगर रेज यहाँ पर आ रही है M2 के ऊपर, तो उनको रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करेगा? क्यों वो मना कर देगा? मना थोड़ी ना करेगा, वो बोलेगा ठीक है मैं रिफ्लेक्ट कर देता हूँ, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम प्लेन मिरर वाला कंसेप्ट मत लगाओ कि अगर इसकी इमेज इसके पीछे बनी तो वहां पर स्टॉप हो जाएगा, वो वाला कंसेप्ट मत लगाओ. यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है. यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर इंसिडेंट रेज आ रही है ना M2 पे, तो इसको रिफ्लेक्ट करके इमेज बनानी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं पर. तो अग्री करते हो? यस सर. अब देखो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन एट M2. रिफ्लेक्शन एट M2 के बारे में बात करते हैं. बट सर, मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस के बिहाइंड, मतलब जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके बिहाइंड जो मिरर इमेज फॉर्म होगा, वो वापस रिफ्लेक्ट होके नहीं बना पाएगा ना कॉनकेव में. अरे सुनो मेरी बात, वो तो रेस के हिसाब से होगा. यार रेस के हिसाब से सोचो यार तुम, क्या यहाँ से रेस रिफ्लेक्ट होके इस पर पड़ती है कि नहीं पड़ती है, बताओ? हाँ सर, पड़ती है. वो रेस वापस से रिफ्लेक्ट होंगी कि नहीं होंगी? होंगी. अगर मेरे पास रिफ्लेक्टेड रेज हैं तो वो कहीं ना कहीं मीट तो करेंगी. हाँ कि ना? यस सर. तो क्या यहाँ पर एक इमेज बन सकती है कि नहीं बन सकती है, बताओ? हाँ सर, बनेगा. बनेगा ना. तो इसकी पहले इसने इमेज बनाई, वो यहाँ कहीं बनती है, उस इमेज के करस्पॉन्डिंग ये इंसिडेंट रेज है, मतलब ये वाली जो रेज है ये इस पे आई और फिर वो वापस रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर मिल जाएंगी, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर देखो फाइनली क्या है, पहले M1 ने इमेज बनाई, वो यहाँ की बनी, अब वो इमेज इसके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी. ठीक है, असलियत में ऐसा नहीं है कि वहां पर जाकर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, रियल में तो यहाँ पर क्या है, रेज आ रही थी, उन रेज को इसको रिफ्लेक्ट करना ही पड़ेगा.
रियलिटी में अगर तुम वहां पर एक ऑब्जेक्ट रखते तो ये मिरर बोलता है पागल है क्या, पीछे रखा हुआ है। बट यहाँ पर अगर अगर यहाँ पर रेज आ रही है तो अलग सीन है, देन इट्स अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। तो अब देखो यहाँ पे अब M2 के लिए जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा अलग चीजें करनी पड़ेंगी। तो अब देखो M2 के प्रिंसिपल एक्सिस ये है, M2 के प्रिंसिपल एक्सिस ये है, अग्री करते हो? हाँ सर। हाँ सर। M2 के प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो यहाँ पर मुझे M2 के लिए इधर पे प्रिंसिपल एक्सिस बनानी पड़ेगी। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर द सेकंड मिरर, तो इसको प्लस X2 बोल दो, इसको प्लस X1 बोल दो, ठीक है। X1 इज द X एक्सिस फॉर M1 मिरर, X2 इज द X एक्सिस फॉर M2 मिरर। अब देखो पहले तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी इमेज, ये तो मालूम पड़ गया कि यहाँ कहीं बनती है, बट वो ऊपर बनती है नीचे बनती है कहाँ पर बनती है एक बार सोच लेता है। तो इसके लिए मुझे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या फिर जिसको हम लैटरल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस वी अपॉन यू होती है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ माइनस 60 डिवाइड बाई माइनस 20, सॉरी यहाँ पर माइनस 3 आ जाता है, माइनस 3 आ जाता है मैग्निफिकेशन। माइनस 3 मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि भाई इस मिरर ने देखा, इस मिरर ने देखा कि भाई हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 मिलीमीटर, हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 मिलीमीटर, तो उसको माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देगा तो माइनस 6 mm हो जाएगा। तो यहां पर इमेज बनेगी और उसकी नीचे की तरफ 6 mm हाइट होगी। अग्री करते हैं सब लोग? सो विद रिस्पेक्ट टू, अगर ऐसे लिख दो कि भाई दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहां से मालूम पड़ता है कि भैया इमेज की जो हाइट है वो है माइनस 3 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस 3 टाइम्स 2 mm, तो ये आ गया माइनस 6 mm। तो इससे मुझे मालूम पड़ता है कि भाई इस ओरिजिन के हिसाब से जहां पे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इस ओरिजिन के हिसाब से कहां पर मेरी इमेज बनती है, माइनस 60 कॉमा माइनस 6 पे, माइनस 60 कॉमा माइनस 6 पे यहां कहीं इमेज बन जाती है। अब देखो ये वाला जो मिरर है, कौन सा वाला, M2, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो यहां रखा है कितना आगे, 10 सेंटीमीटर आगे, एंड कितना टोटल नीचे, देखो यहां से 6 mm नीचे आया था तो टोटल कितना हो जाएगा इसके लिए, इसके प्रिंसिपल एक्सिस से 2 प्लस 8 mm नीचे हो जाएगा। सब लोग अग्री करते हैं? हाँ सर। यस सर। जो M1 था उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के 2 mm ऊपर ऑब्जेक्ट था और उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के 6 mm नीचे ऑब्जेक्ट आया था, सॉरी इमेज आई थी। अब ये जो इमेज है जिसको नाम दे सकते हो I1, ये I1 बिहेव करेगी एज एन ऑब्जेक्ट फॉर M2, M2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो ये I1 M2 के रिलेटिव 10 सेंटीमीटर आ गया और टोटल 8 mm नीचे रखी हुई है, तो माइनस 8 mm इज द हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, आगे ना। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा भाई, अब तुम M2 पे रिफ्लेक्शन देखोगे तो यहां से सारी चीजें मेजर करना इसके पोल से, तो इसके लिए अब ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो है प्लस 10 सेंटीमीटर, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है इसके लिए वो है माइनस 8 मिलीमीटर, जो फोकल लेंथ है इसके लिए वो है कितनी है, वो प्लस 20 सेंटीमीटर, प्लस 20, बिल्कुल सही बात है। अब मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v = 1/f - 1/u, तो यहां पर आएगा 1/20 - 1/10, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/20 सेंटीमीटर। इसका मतलब v की वैल्यू आ जाएगी -20 सेंटीमीटर, विच मींस कि इसके हिसाब से 20 सेंटीमीटर पीछे इमेज बनेगी, इसके हिसाब से 20 सेंटीमीटर पीछे मतलब यहां से 30 सेंटीमीटर आगे। अब ओरिजिनल ओरिजिन तो ये है, दिस इज द एक्चुअल ओरिजिन, तो इस ओरिजिन के हिसाब से प्लस 30 सेंटीमीटर पे कहीं पर तुम्हारी इमेज बनेगी। अब वो कहां पर बनेगी, ऊपर नीचे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर वापस से ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बारे में बात करते हैं। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है माइनस वी बाई यू, विच इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, यहां पर एच आई इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इंटू एच ओ कर देते हैं, वी बाई यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि माइनस 8 mm है, ये कर देते हैं। तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, दिस कम्स आउट टू बी माइनस 16 मिलीमीटर्स। इसका मतलब क्या है कि भाई इसके आगे 10 सेंटीमीटर पे 8 mm नीचे हमारा ऑब्जेक्ट रखा था और इसके पीछे 20 सेंटीमीटर पे और 16 मिलीमीटर नीचे
तुम्हारी इमेज आएगी, ये आ गया। तो अभी x2 वाली x एक्सिस से 16 मिलीमीटर नीचे, मतलब इस वाली x एक्सिस से कितना नीचे, 14 मिलीमीटर नीचे, अग्री करते हो? यस सर। सो फाइनल इमेज, सो फाइनल इमेज i1, 2 इज फॉर्मड एट प्लस 30 सेंटीमीटर कॉमा माइनस 14 mm विद रिस्पेक्ट टू ओ। अब मैंने प्लस 30 को लिखा बिकॉज इन्होंने इसको x एक्सिस दे रखा था और इसको y एक्सिस दे रखा था, तो विद रिस्पेक्ट टू ओ एंड दीज एक्सिस मेरा जो फाइनल इमेज आ रहा है वो यहां पर आ रहा है, उसके मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। कितने लोगों को ये वाला सवाल पूरा समझ में आ गया, एक बार हाथ उठा के मेरे को बता दो। Sir, won't it be easier if like we take one universal coordinate system like positive x from origin itself? Then we won't be able to solve using the mirror formula that easily. No, we still get the right answer even if we do that because coordinate system correct answer, is correct answer aa jayega, correct answer. हाँ देखो मेरे हिसाब से ये जो मैंने बताया ये ज्यादा इजी है, ठीक है। दूसरे वाले से अगर तुमसे हो रहा है इट इज फाइन, यू कैन यूज इट, बट आई डू नॉट रिकमेंड यूजिंग एनी अदर मेथड। मैं यही वाला मेथड सजेस्ट करता हूँ, इसमें बाद में कभी ट्रिक नहीं होगे तुम, ठीक है। और दूसरा मेथड मैं शो भी नहीं करना चाहता। हाँ भाई थम्स डाउन, क्या हो गया? हाँ तनिष, तनिष मुत्ता क्या हुआ? सर ये नहीं आ रहा समझ में। क्या नहीं समझ में आया भाई तनिष, इसमें बताइयो। तनिष पहले मिरर फॉर्मूला बताइयो क्या होता है भाई। सर 1/f = 1/u + 1/v। ओके, और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रांसवर्स v माइनस v² / u²। अच्छा, और फिर लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी सर ये उसका था मेरे ख्याल से, लॉन्जिट्यूडनल वाले का। इसमें बता कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया बता? सर 2 से। 2 में क्या चीज समझ में नहीं आया बता? सर जो हम लोगों ने यूज किया ना वो एम्प्टी वाला। एम्प्टी वाला तो यहां पर भी यूज किया मैंने। सर इवन आई हैव अ स्पेसिफिक डाउट, कैन आई आस्क? हाँ श्योर 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 बताओ। सर वो आपने बस कैसे स्टार्टिंग में डिटरमाइन किया रेस का, बस वो बता सकते हैं मतलब हाउ डिड यू स्टार्ट? देखो 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 यहाँ पर क्या फंडा मैं बताता हूँ। यहाँ पर स्पेसिफिकली बोल रखा है फर्स्ट रिफ्लेक्शन कॉनकेव वाले पे मानना, तो इसकी जो रेस है ये वाली कंसिडर करना। तो पहली इमेज इसमें बनानी है, पहली इमेज इसमें बनानी है, तो स्टार्ट विद दिस मिरर। तुम यही पूछ रहे थे कि कुछ और पूछ रहे थे? नहीं नहीं सर मैं यही पूछ रही थी, बट सर आपने वो रेस आप कुछ बता रहे थे ना वर्चुअल ऑब्जेक्ट में को वो सब नहीं समझा। ओके ओके समझ गया। देखो यहाँ पर देखो क्या हो गया कि इस मिरर ने इससे आने वाली रेस को इस तरह से रिफ्लेक्ट किया, दे वांट टू मीट ओवर हियर, यहाँ पर जाके इधर पे मीट करना चाहती है इस जगह पर, सही है ना? बताओ। हाँ सर। नाउ सिंस दीज रेस आर इंसिडेंट ऑन एम2 would they reflect and form a new image? Yes, sir. They would, है ना? तो अब यहाँ पर क्या है? These are the incident rays for M2. तो M2 के लिए ये incident rays हैं. और incident rays कहाँ पर meet करती हैं? यहाँ पर. और incident rays जहाँ पर meet करती हैं उसको हम object बोलते हैं. तो M2 के लिए ये एक object है जिसकी image वो यहाँ पर बनाएगा. Is it clear now? ओके सर। तो सर आपने रिफ्लेक्शन एट m1 यूज करके जो v is equal to minus 60 डाला वो आपने फिर m2 के रिस्पेक्ट में 10 सेंटीमीटर लिखा ना ऑब्जेक्ट। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस मिरर के हिसाब से 60 सेंटीमीटर आगे कहीं पर इमेज बनती है, इधर कहीं बनती है, फिर मैंने देख लिया कि इस मिरर के लिए वो कितना आगे और कितना नीचे है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से, है ना? ओके सर, सो यू आर कंटीन्यूअसली चेंजिंग द साइन कन्वेंशन नो? हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने इस मिरर के लिए अलग साइन कन्वेंशन इस्तेमाल किया और इस मिरर के लिए अलग साइन कन्वेंशन इस्तेमाल किया, तो इसलिए मैंने क्या किया, जब मैं इस मिरर के बारे में बात कर रहा था तब यहाँ पर ये वाली एक्स एक्सिस बना दी थी मैंने, फिर यहाँ पर जब इस मिरर के बारे में बात कर रहा था इसको मैंने एक्स एक्सिस बना दिया था। got it, sir, thank you.
Okay. Is there any like standard way of taking the coordinate system in like two these two mirror sums? हाँ यार देखो हमेशा क्या कर सकते हो रे इधर आई तो जिस तरफ रे आ रही है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान तो इस तरफ रे आई तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया फिर वो रेस रिफ्लेक्ट होके इस तरफ आई है तो ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है फॉर दिस मिरर है ना यस सर सर अपने प्लस 30 कौन से मिरर के नेगेटिव प्लस 30 सुनो ये प्लस 30 मैंने किसके रेस्पेक्ट में लिखा है मैं बता देता हूँ ये जो ओरिजिनली यहाँ पर ड्रॉ कर रखी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इनके रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ मैं नॉट अकॉर्डिंग टू दिस प्लस एक्स वन और प्लस एक्स टू इनके रेस्पेक्ट में नहीं बता रहा हूँ ओरिजिनल जो एक्स वाई एक्सिस नहीं है उनके हिसाब से बता रहा हूँ तो प्लस 30 एंड माइनस 14 यहाँ की तुम्हारी इमेज बन जाएगी हायर बोलो सर जो नेगेटिव जब ऑपोजिट साइन लेना पड़ेगा मतलब ऑपोजिट रेज जब रिफ्लेक्ट होएगा एक मिनट यार सॉरी मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था वापस बताओ सर इसमें नेगेटिव क्या क्या ऐसा रहता है मतलब जब ऑपोजिट रेस रिफ्लेक्ट करेगा तब नेगेटिव लेंगे इसको देखो यहां पर फॉर एग्जांपल ये वाला जो मिरर है इस पे जो इंसिडेंट रेज आ रही है वो ऐसे आ रही है लेफ्ट की तरफ आ रही है तो इस डायरेक्शन को तुम्हें पॉजिटिव लेना पड़ेगा इसके साइन कन्वेंशन के लिए हां सर फिर इस मिरर से रिफ्लेक्ट क्या क्या सर मैं बोला था वो जो -60 सेंटीमीटर है ना वी तो सर वो तो कॉन्वेक्स मिरर के भी पीछे होगा ना सर हां भाई तो अभी यार वो चीज मैंने तीन बार डिस्कस कर दी ना यार नहीं सर पर मैं बोला हूं वो रेज मीट होने से पहले ही सर वो नहीं होगी मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएंगे बिल्कुल सही ये बता प्लेन मिरर है प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनाते थे रेज आई फिर रिफ्लेक्ट हो गई रिफ्लेक्टेड रेज को इंटरसेक्ट करवाओ वहां इमेज है आगे ना तो यहां पर भी वैसे होगा रेज आई रिफ्लेक्ट हो गई रिफ्लेक्टेड रेज जहां मीट करेंगी क्या वहां पर इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ बनेगी सर बनेगी ना तो यहां पर भी वही फंडा है इंसिडेंट रेज आई है क्या इस मिरर पे हाँ क्या वो इंसिडेंट रेज कहीं पर मीट कर सकती है हाँ तो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बन गया क्या रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी हाँ आएंगी क्या वो कहीं पर मीट कर सकती हाँ तो इसने क्या कहीं पर इमेज फॉर्म करी है हाँ सही है ना ओके हाँ सर ठीक है ओके सर आया सर हाँ सर सर मतलब अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता तो फिर माइनस लेते राइट बिल्कुल इंसिडेंट रेज की जो डायरेक्शन है देखो इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट कुछ भी नेगेटिव कोऑर्डिनेट हो जाएगा तो यहाँ पर इसके लिए इंसिडेंट रे इस तरफ आ रही है इसके लिए इंसिडेंट रे इस तरफ आ रही है समझ में आएगा मतलब ये इमेज मतलब आगे फॉर्म कर रहा है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पीछे फॉर्म कर रहा है वैसे कॉनकेव मिरर अपने सामने फॉर्म कर रहा है कॉन्वेक्स मिरर भी अपने सामने फॉर्म कर रहा है यहां पर ओके सर ठीक है मैं आगे बढ़ता हूं अगले सवालों पे चलता हूं यहां पर चैट बॉक्स पे कई सारे सवाल और हैं अक्षत तुम्हारे वाले पे आता हूं बाद में होमवर्क नंबर 2 पे पेज 320 एग्जांपल 16 ये मैंने जस्ट अभी कर दिया मैंने डाउट पूछा था बोलो सर वो इमेज प्लेन मिरर का सर एंगल पे होता है तो फिर उसका डाउट है मेरे को अरे पहले होमवर्क 3 कंप्लीट करने दे भाई एक मिनट रुक जा उस बाकी सब पे एंड में आते हैं ठीक है चलेगा हां सर वो सर मैंने सुबह से मैसेज डाला था सर वो व्हाट्सएप पे आपको अरे चिंता मत कर तेरा डाउट सॉल्व करके ही छोड़ूंगा आज उसके बिना जाऊंगा नहीं डोंट वरी एनीवेज देखो यहां पर पेज 319 पे आइस 2 का फर्स्ट पेज 319 आइस 2 का फर्स्ट पेज 319 इसके जस्ट पीछे वाला है आइस का फर्स्ट सवाल ये वाला बोल रहे हो हां सर ये वाला इसमें बोला है कि डिटरमाइन द इमेज डिस्टेंस इमेज हाइट फॉर अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ इतना इसमें दिक्कत क्या आ रही बताओ सर आई थिंक यहाँ पे ना कोई भी साइंस प्रॉपर नहीं है मतलब 19.2 प्लस माइनस ऐसा कुछ मेंशन नहीं है और आंसर में हर अलग अलग आ रहा है इसीलिए समझ गया तो तुम लोगों को साइन की दिक्कत है यहाँ पर कि भाई आंसर जिसने भी दिया उसने साइन नहीं दिया सही से दैट्स द प्रॉब्लम यस सर ठीक है समझ गया मुझे लगा ये तो इजी क्वेश्चन है इसमें क्या दिक्कत होगी भाई तो देखो सिंपल है
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर और किस तरह का मिरर है, कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? नेगेटिव होती है भाई, है ना? और यहाँ पर बोला हुआ है कि इसका जो फोकल लेंथ है वो 15 है, तो यहाँ पर फोकस है और ऑब्जेक्ट हमने रखा है 45 सेंटीमीटर पोजीशन पे, सो दिस इज द फोकस एंड हियर इज द ऑब्जेक्ट एंड ये उसकी हाइट है। अब देखो मैं यू की वैल्यू को क्या लिखूंगा, ऑब्वियसली हम उसको लिखेंगे -45, यू की वैल्यू -45 सेंटीमीटर है और जो फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू है -15 सेंटीमीटर और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो तो मैंने लिखी दिया। मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करूं, 1/f - 1/u हो जाएगा, 1/-15 - 1/-45 ये आ जाएगा, ठीक है? इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 2/-45 आ जाएगा, 2/-45 आ जाएगा, मतलब जो तुम्हारा तुम्हारी जो इमेज बनेगी वो -22.5 सेंटीमीटर वाली जगह पर बनेगी, ठीक है? तो इसके मुकाबले पीछे बनेगी तुम्हारी इमेज। अब यहां पर इन्होंने पॉजिटिव दे दिया जबकि नेगेटिव देना चाहिए था वी की वैल्यू को, समझ गया। अभी बेसिकली डिस्टेंस पूछ रहा है। अब डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो डिस्टेंस तो यार पॉजिटिवली ही मेजर किया जाता है। अगर ये पोजिशन बोलता कि इमेज की पोजिशन क्या, तो शायद -22.5 ही लिखना पड़ता है इसको। ये बस डिस्टेंस मेजर कर रहा है स्केल से, कि स्केल से मेजर किया और जो भी लेंथ आई वो लेंथ बता रहा है विदाउट एनी साइन। अदरवाइज इमेज पोजीशन बोलता तो डेफिनेटली दिस पर्सन शुड हैव आंसर्ड इट एज -22.5। नेक्स्ट, जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होती है जिसका फॉर्मूला होता है -P/U व्हिच इज HI/HO, तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, HI इज इक्वल टू माइनस ऑफ -22.5 डिवाइडेड बाय U, U की वैल्यू -45 इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि है 5। तो देखो यहां पर क्या आएगा, दिस बिकम्स हाफ, तो यहां पर -2.5 आ जाएगा, दिस इज -2.5। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में भी इसने वही किया है, इसने 2.5 लिख दिया और इन्वर्टेड मेंशन कर दिया अलग से कि भाई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो इमेज इन्वर्टेड बनी है और इतनी टॉल बनी है, तो एक तरह से उसने एक्सप्लेन कर दिया, बट इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। द पर्सन शुड हैव सेड एटलीस्ट कि भाई इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना है, तब यहां पर वो -22.5 एक्सप्लेन हो जाता प्रॉपरली। समझ में आया? अरे जल्दी बताओ, कम ऑन। हेलो, हाँ सर समझा सर, मतलब एग्जाम में लोग साइन देंगे ना? हाँ हाँ यार, साइन होना चाहिए या फिर अदरवाइज एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि भैया 22.5 सेंटीमीटर मिरर के सामने कि मिरर के पीछे, मिरर के सामने तो अपने आप तुम्हें तो फिर नेसेसरी नहीं है। हाँ डिस्टेंस दिया है ना, सो लाइक हाँ डिस्टेंस बोला है तो यार जरूरी नहीं है, क्योंकि वो लेंथ की बात कर रहा है कि कितना दूर बना है मिरर से इमेज। ओके एनीवेज आगे बढ़ते हैं, यहां पर पेज 358 क्वेश्चन 3, पेज 359 क्वेश्चन नंबर 6, पेज 358 पे जाता हूं मैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3, तो अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ इज कट इनटू टू पार्ट्स फ्रॉम द मिडल एंड टू पार्ट्स आर मूव्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर by distance of, sorry, perpendicular to the principal axis by distance of 1 centimeter from the previous principal axis. Find the distance between the images formed by the two parts. कि ये दोनों जो image बनाएंगे, उन दोनों images के बीच में क्या distance होगा, ये निकाल के बता दो। तो देखो, सबसे पहले ऊपर वाले के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, नीचे वाले के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, दोनों अपना आराम से अलग अलग सेपरेटली इमेजेस फॉर्म करेंगे। इसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है -10, इसके लिए भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है -10, इसके लिए भी एक नेगेटिव फोकल लेंथ है, इसके लिए भी एक नेगेटिव फोकल लेंथ है, तो दोनों का वी तो सेम आएगा, दोनों का वी तो सेम आएगा, बस क्या होगा, ये वाला शायद इमेज को ऊपर बना दे और ये वाला शायद इमेज को नीचे बना दे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो दोनों के लिए फॉर बोथ द मिरर्स यू एंड एफ आर द सेम,
तो यहां पर इसको बोल दो एक्स वन एक्सेस और इसको बोल दो एक्स टू एक्सेस. सो दोनों के लिए यू और एफ तो सेम है, दोनों के लिए यू की वैल्यू माइनस 10 सेंटीमीटर और दोनों के लिए एफ की वैल्यू है माइनस 20 सेंटीमीटर. तो दोनों के लिए वी की वैल्यू सेम आ जाएगी, 1 बाय एफ माइनस 1 बाय यू. तो यहां पर कितना आएगा हमारे पास, 1 बाय 20 आ जाएगा, तो वी की वैल्यू प्लस 20 सेंटीमीटर आ जाएगी. तो दोनों के दोनों आगे कहीं पर इमेज बनाएंगे. अब देखो यहां पर क्या होता है, हमने देखा है कि अगर एक कॉनकेव मिरर है हमारे पास और वो एक वर्चुअल इमेज बना रहे तो वो इरेक्ट होती है. तो इस मिरर के हिसाब से देखें तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ऑब्जेक्ट है, तो ये इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनाएगा, कहीं पर यहां कहीं बना देगा. तो यहां पर सबसे पहले तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालो, विच इज माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू लिख दो एंड इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ 20 डिवाइडेड बाय माइनस 10, तो आ जाता है 2, विच मींस प्लस 2 का मतलब क्या है कि भाई इमेज जैसी है, सॉरी ऑब्जेक्ट जैसा है उसी तरह की इमेज बनेगी, मतलब इरेक्ट की बनेगी, पलट नहीं जाती, इन्वर्ट नहीं हो जाती, बस दो गुना बड़ी हो जाती है. तो यहां पर इसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो 20 सेंटीमीटर आगे और 2 सेंटीमीटर नीचे बनेगी. क्यों? बिकॉज इसके लिए ये 1 सेंटीमीटर नीचे है. सही बात है, क्या बोलते हो? हाँ सर. तो यहां पर इसको y1 बोल दो तो, और इसको बोल दो o1 या फिर p1 बोल दो. सो अकॉर्डिंग टू p1, अकॉर्डिंग टू p1, I1 is formed at plus 20 centimeter, comma, minus 2 centimeter. इस जगह पर बनती है, ठीक है? And according to P2 कहाँ बनेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं. According to P2, पहले P2 क्या चीज़ है वो बताता हूँ. P2 इसका पोल है, P2 इसका पोल है और let's say इसकी y axis, एक काम करो इसकी भी y axis ऊपर ही ले लो, इसकी y axis भी ऊपर ले लो, y2 बोल दो उसको. अब देखो इस मिरर के लिए भी सेम मैग्निफिकेशन आ रहा है, दोनों के लिए V और U सेम आए तो दोनों के लिए सेम मैग्निफिकेशन आया. तो इस मिरर के लिए क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है एक सेंटीमीटर ऊंचा, तो 2 सेंटीमीटर ऊंची तुम्हारी इमेज बनेगी, कितना आगे बनेगी, 20 सेंटीमीटर आगे. तो एक इमेज यहां बन रही है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे, एक इमेज बन रही है यहां पर इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे. एम वन की प्रिंसिपल एक्सिस पे इमेज बनाई एम टू ने, एम टू की प्रिंसिपल एक्सिस पे इमेज बनाई है M1. सही बात है, क्या बोलते हो? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो, कम ऑन. यस सर. तो यहां पर अपने को क्या समझ में आ रहा है कि भाई दी ऐसे बोल दो M1 forms image on principal axis of M2 and M2 forms image on principal axis of M1 and both images are 20 centimeter behind the mirror. Both the images are 20 centimeters behind the mirror. तो सर उनके बीच का डिस्टेंस तो जीरो हो गया ना? नहीं 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 नहीं, ध्यान से सोचो, इसने इमेज बनाई यहाँ और इसने इमेज बनाई यहाँ, तो दोनों इमेजेस के बीच का डिस्टेंस क्या है? मेरे को लगा कि गॉट इट सर. तुम्हें लगा एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस निकालना है? हाँ सर मेरे को वो लगा. नहीं नहीं नहीं, टोटल सेपरेशन निकालना है दोनों के बीच में. फाइनली डॉट टू डॉट कनेक्ट करेंगे तो जो लेंथ आएगी लाइन की वो कितनी है ना? हाँ सर. ओके, तो इसका जो जवाब है वो है 2 सेंटीमीटर की. भैया हमारी जो इमेजेस बनी है I1 और I2, ये I1 और ये I2 दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर का. दैट्स द आंसर. ठीक है, अब मैं अगले पेज पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर देता हूँ.
अच्छा यार एक मिनट, ओहो यार ये तो एक्चुअली कोलिजन पे बेस्ड है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कोलिजन। तुम्हें कोलिजन अभी नहीं पढ़ा है ना? नो सर। तो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन फॉर नाउ बिकॉज़ इसमें कोलिजन पे बेस्ड है, तो ये छोड़ना ही पड़ेगा बिकॉज़ हमें कोलिजंस के बारे में पता नहीं है फिलहाल। एक बार कोलिजन हो जाएगा तुम्हारा, उसके बाद ये कर सकते हो तुम, ठीक है? इसको छोड़ दो, बाकी मैं देखता हूँ। सो दिस वॉज 359 क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 3, दिस इज एक्सरसाइज 3, इसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ठीक है? तो यहां पर क्या है, हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर बोलता है कि हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है जिसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर। इट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? उसके यू की वैल्यू दे दिया कि ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है, यू की वैल्यू -15 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ द डिस्क स्लोली स्टार्ट्स टू इंक्रीज एट दिस रेट। फोर्थ बोलता है द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर विल बी इन व्हाट शेप, एलिप्टिकल होगी, सर्कुलर होगी, डिस्टॉर्टेड डिस्क होगी, क्या होगा एग्जैक्टली? ओके, तो यार इसका जो आंसर है वो या तो ए होगा या फिर डी होगा, हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। डिस्क ही होगी पर अब वो एकदम क्लियर डिस्क होगी कि डिस्टॉर्टेड होगी, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। डिस्क क्यों होगी वो पहले बताता हूं मैं। एक ऑब्जेक्ट ऐसा मानो, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाओ, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी आएगी? सबसे पहले तो देखो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 1/-10 cm माइनस 1/u और u की वैल्यू है -15, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3-2/-15, so 1/-15 आ जाएगा। यहाँ से v की वैल्यू -15 cm आ जाती है, v की वैल्यू -15 cm आ जाती है, मतलब इसी तरफ इमेज बनेगी। तो अगर यहाँ पर मैं एक एरो ले लूँ, यहाँ पर एक एरो ले लूँ, अच्छा यार ये तो एक्चुअल में पता है सेम जगह पर बन गई, बट हाउ इज दिस पॉसिबल? मैंने कुछ गलती करी क्या? Have I made any mistake? Yes, sir, minus 30. अरे 30 होना चाहिए था, सॉरी माई बैड, डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए था, yes, मैंने 15 को ले लिया, पता नहीं। Anyways, so this should be -30. तो यहाँ पर भी क्या है, ये 15 सेंटीमीटर दूर है तुम्हारी, तुम्हारा ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज यहाँ के भी बन जाती है, एंड ऑफ कोर्स मैग्नीफाइड बनेगी इमेज। अब देखो ये वाली जो मैंने एरो ली है, इस एरो की इमेज यहाँ बनेगी, अग्री करते हो? हाँ सर। अभी बताओ ऐसी ही एक एरो अगर मैं ऐसे ले लेता, इसी के परपेंडिकुलर ले लेता, तो उसकी इमेज ऐसी बनती, सिमिलर तरह की बार बनती। हाँ, हाँ सर वही पे। यस सर। हाँ, ब्लू वाली एरो जितने से मैग्नीफाई हुई है, रेड वाली एरो भी ऐसी उतना ही मैग्नीफाई होगी। हाँ, ना ऐसे करते करते सारी एरोस ले लो या फिर सारे पॉइंट्स कंसीडर कर लो, एंड व्हाट यू वुड गेट इज कि यहाँ पर एक डबल साइज की एक डिस्क मिल जाएगी तुम्हें, डबल साइज की डिस्क मिल जाएगी बिकॉज मैग्निफिकेशन यहाँ पर -2 है। अग्री करते हो? हाँ सर। यस। अब देखो डिस्टॉर्टेड कब बोल सकते हैं इसको? तो यहाँ पर क्या फंडा है कि यार जो रेज है वो जब तक पैरेक्शियल रहेंगे हम यहाँ पर एक शार्प इमेज देख पाएंगे, जैसे वो पैरेक्शियल होना बंद कर देंगे तो हम एक डिस्टॉर्टेड इमेज देखेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर देखो अभी इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका वो 20 सेंटीमीटर है। अब शुरुआत में तो देखो ये डिस्क काफी छोटी है, इसका 1 सेंटीमीटर डायमीटर है, बट समय के साथ ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो टाइम के साथ बाद में कभी डेफिनेटली डिस्टॉर्टेड डिस्क दिखेगी, बट इनिशियली तो यार शायद क्लियर दिखे। व्हाट्स द आंसर गिवन, ए या फिर डी में से एक दिया होगा, क्या दिया? ए दिया। व्हेन कैन वी स्टेट पैरेक्शियल और नॉन पैरेक्शियल? देखो यहाँ पर यार तुम्हें साइज से कंपेयर करना पड़ेगा कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10-20 सेंटीमीटर, तो इसका टोटल डायमीटर क्या हो सकता है, मैक्सिमम 40 सेंटीमीटर हो सकता है, तो 40 सेंटीमीटर के सामने इसकी जो हाइट है, इसका जो डायमीटर है वो कब तक छोटा मानोगे, उसका खेल यार पूरा। तो आई वुड से कि यार 2 या फिर 2.5 सेंटीमीटर तक तो तुम छोटा मान ही सकते हो, समझ रहे हो? यस ठीक है। तो यहाँ पे
इनिशियली तो सर्कुलर डिस्क है बट विद टाइम यार देखो बहुत ज्यादा टाइम होने के बाद डिस्टॉर्टेड बन जाएगी. तो सर इनिशियली उधर देना इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन में. इनिशियली देना इंपॉर्टेंट है या फिर ये शायद सोच रहे हो कि यार बंदा खुद से ही सोच लेगा तो थोड़ा सा एम्बिगुअस है बट इनिशियल मान के कर दिया हमने. इनिशियल मान के सर एक बार वो पैरेक्सियल वाला वापस बताओ ना. देखो पैरेक्सियल का मतलब क्या होता है वो रेस जो पैरेलल रहेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के है ना. yes. वाली रेस जो तो फिर उसके लिए ऑब्जेक्ट जो है अपर्चर के सामने छोटा होना चाहिए. वैसे तो अपर्चर भी छोटा होना चाहिए ऑब्जेक्ट भी छोटा होना चाहिए दोनों ही चीजें जरूरी हैं. तो यहाँ पर बस ऐसे सोच लो कि जो हमारा मिरर है उसका साइज वर्सेस ऑब्जेक्ट का साइज तो ऑब्जेक्ट छोटा मोटा होना चाहिए यार उसके सामने. वो इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूजली तुम्हें. यहाँ पर बस ये थोड़ा सा हल्का फुल्का सोचना था कि यार बाद में ऑब्जेक्ट काफी बड़ा हो जाएगा तो यू नो दिक्कत हो सकती है. अच्छा एक मिनट रुको यहाँ पर कहीं पर ऐसा बोला गया कि छोटा मोटा मिरर है हमारे पास. छोटा सा अगर मिरर है तो ऑब्जेक्ट फिर कितना भी बड़ा हो जाए फर्क नहीं पड़ता है शार्प इमेज बनेगी. इफ द मिरर इज वेरी स्मॉल तो अपने आप ही शार्प बनेगी. ऐसा कहीं लिखा है क्या स्मॉल कहीं पर लिखा है क्या. नहीं स्मॉल तो नहीं लिखा होगा तो बाद में डिस्टॉर्टेड होना ही पड़ेगा उसको. ठीक है आगे देखते हैं. सो एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 4 हो गया. एक्सरसाइज 1 में 9-10 ये देख लेते हैं सबसे पहले. एक्सरसाइज 1 में 9-10 ये रहे एक्सरसाइज 1 इसमें 9-10 ये रहे. तो 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है. द सर्कुलर बाउंड्री ऑफ अ कॉनकेव मिरर सबटेंड्स अ कोन ऑफ हाफ एंगल थीटा एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है भाई. The minimum value of theta for which the rays incident on the mirror parallel to the principal axis suffer reflection more than once लिखना था इनको. more than once लिखना चाह रहे थे. ठीक है तो सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं वो समझाता हूं. सवाल क्या पूछना चाह रहा है उसके बारे में बात करते हैं एक बार. वो मोर देन वन होना चाहिए था. मोर देन वन लिख दिया गलती से उन्होंने. तो देखो भाई इसको काटो इसको वंस बनाओ पहली चीज. तो क्या बोल रहा है. वो इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो पहली बात तो रिफ्लेक्ट होकर पीछे आएगी. हम चाहते हैं कि वो एक बार से ज्यादा बार रिफ्लेक्ट हो जाए. वो एक बार से ज्यादा बार रिफ्लेक्ट हो जाए इसके लिए थीटा की वैल्यू कांस्टेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नॉट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस. ओह अंडरस्टूड समझ गया. बिल्कुल बढ़िया यार बिल्कुल बढ़िया. तो अब देखो कोई भी पैरेलल वाली रे कंसीडर करनी है. अब अगर ये वाली कंसीडर करोगे तो ये तो पीछे जाएगी तो तुम्हें मिरर यहां तक लेके आना पड़ेगा. उसके लिए तो फिर तुम्हें थीटा की वैल्यू 180 लगानी पड़ेगी. बट यू कैन कंसीडर अदर पैरेलल रेज एज वेल. तो देखो एक काम करो ये वाली पैरेलल रे कंसीडर करो ये वाली पैरेलल रे कंसीडर करो. अब इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यहाँ पर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा ही हो जाएगा. क्यों. बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां तक जो तुम्हारी लाइन आती है वो नॉर्मल टू द मिरर होती है. अभी जब रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्ट होकर इसको नीचे चला जाना चाहिए और यहां पर हिट कर देना चाहिए कम से कम. तब इसके दो रिफ्लेक्शन हो जाएंगे. ये जो रे थी दिस केम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और हम चाहते हैं कि ये एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन सफर करे. तो पहला रिफ्लेक्शन इसने यहाँ पर सफर कर लिया अगला लेट से यहाँ पर सफर कर लेगी वो. So, theta is 90 minus theta. हाँ, exactly. तो यहाँ पर 2 theta is equals to 90 degrees आ जाएगा तो 45 degrees हो जाना चाहिए. आंसर दिया है क्या. Is the answer C? Yes. तो यहाँ पर this was the question. Simple ही था बट हाँ थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा मेहनत लगी उसके बाद तो खटाक से हो गया. करना क्या है वो एक बार समझ में आ जाए उसके बाद जल्दी से हो जाएगा. तो यहां पर मैं दिखा देता हूं कि भैया हमें ये वाली रे कंसीडर करनी चाहिए बिकॉज इसका सबसे ज्यादा चांस है वापस से मिरर पर रिफ्लेक्ट होने का. तो क्यों. बिकॉज ये सबसे बड़ा एंगल बनाएगी यहां पर बाकी सारी कंपेरेटिवली छोटा एंगल बनाती है. जो बड़ा एंगल बनाएगी वो ज्यादा अमाउंट से डिविएट होके यहां पर टकराएगी. मतलब वो यहां पर टकराने के उसके चांसेस ज्यादा है क्योंकि नॉर्मल से बड़े एंगल पे मुड़ रही है. तो इसके वापस से टकराने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं. और उसमें भी चांस ऐसा करो कि भाई मान लो वो बस यहीं पर टकरा जाए
तो दैट वुड गिव यू द थीटा, दैट वुड गिव यू द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा. इससे बड़े थीटा लोगे तो और ज्यादा रेस यहाँ पर टकराएंगी पक्का से. तो यहाँ पर इसको नीचे रिफ्लेक्ट करवा दो और फिर चाहे थे वापस से ऐसे कुछ चली जाएगी प्रोबेबली. तो दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल शुड ऑल्सो भी थीटा, और ये दोनों के बीच में 90 डिग्रीज एंगल हो जाएगा. सो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज आ गया मेरे पास. थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा. ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ. अभी यहाँ पर नाइन्थ के बाद टेंथ भी क्वेश्चन लिखा हुआ है. ये रहा टेंथ. तो बोलता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल प्लेन मिरर एंड अ लार्ज कॉन्वेक्स मिरर जिसकी फोकल लेंथ एफ है, तो द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड एम वन अच्छा इज एक्स, द डिस्टेंस बिटवीन एम वन एंड एम टू इज वाई. The images of O formed by M1 and M2 coincide. तो focal length की value क्या होगी? ठीक है यार, तो यहाँ पर यार अपने को diagram बना के ही proceed करना पड़ेगा, otherwise थोड़ा सा difficult हो जाएगा. बोलता है कि भाई दोनों mirrors ने जो image बनाई है object की, वो दोनों coincide हो रही. M1 ने जो image बनाई object की और M2 ने जो image बनाई object की, दोनों same जगह पर बन रही. They are coinciding with each other. तो देखो, let's say this is the plane mirror. ये हमारा प्लेन मिरर है. M1 और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है वो let's say ये है. एक मिनट, बट यार कॉन्वेक्स मिरर तो इस तरफ इमेज बनाएगा, हाउ कैन इट कोइंसाइड? जस्ट एक मिनट रुको. स्मॉल प्लेन मिरर, जस्ट एक मिनट रुको, मेरे को सोचने दो. स्मॉल इन फ्रंट ऑफ लार्ज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है भाई. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड एम वन इज एक्स, ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है. तो इसकी इमेज तो यहाँ बनेगी ना, और ये तो कॉन्वेक्स है तो इसका इमेज यहाँ पर ही बनानी पड़ेगी. तो सर उन्होंने लिखा है अ लार्ज कॉन्वेक्स मिरर, तो लाइक वी कैन कंसीडर अ कंसीडरेबल probably a small part as a plane mirror hi na, and bola it's large as in like uska I think wo log radius ki baat kar rahe hai ki aperture, I don't know. Ya fir sir hum like without like judging if we just plug in the values and then try them probably. ek minute ruko. अच्छा समझ गया, मैं समझ गया क्या फंडा है. देखो हम डायग्राम गलत बना रहे थे, डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि एक छोटा सा मिरर है वो ये रहा, ये M1 है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो तुम्हारा. अच्छा किसने ये थोड़ी ना बोला दे आर फेसिंग ईच अदर, कहीं पर लिखा है? ओके ये कहीं पर नहीं लिखा है. बट दे हैव सेड दैट इट इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ बोथ द मिरर्स सो दे हैव टू बी फेसिंग. नहीं, इट इज पॉसिबल ना. देखो यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाए कि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, और ये एक छोटा सा प्लेन मिरर है, और ऑब्जेक्ट जो रखा है वो यहाँ, इज इट पॉसिबल? अब देखो यार यहाँ पर डायग्राम समझने में थोड़ी सी मेहनत लगी बट हो गया, इसके आगे तो कुछ भी नहीं बचा. तो अब देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या बोला हुआ है कि भैया ये जो M1 है, M1 से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज x, तो ये x डिस्टेंस पीछे इसकी इमेज बना देगा, यहाँ गई कहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है तो उसी लेवल पे यहाँ पर इमेज बनाएगा, इसको बोलो I1. ये मिरर इस ऑब्जेक्ट की पीछे इमेज बनाएगा यहाँ पर. इस चीज पे सब लोग सहमत हैं, अग्री करते हैं? Yes. अब दूसरी चीज, अब क्या बोला हुआ तुम्हें कि भाई ये जो M2 है, M2 और M1 के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज y. ये जो डिस्टेंस है ये y दिया हुआ है, इसको चलो अलग रंग से बना देता हूं, ये डिस्टेंस y है. तो देखो M2 से टोटल डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा x minus y. और आपको ये कैसे पता चला कि x is greater than y?
x is greater than y. देखो दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी, क्योंकि इस मिरर की इमेज इस मिरर के पीछे बनेगी और इस मिरर की इमेज भी इस मिरर के पीछे बनेगी, है ना? तो यहाँ पर दोनों की अगर पीछे इमेज बननी है यहाँ एक जगह पर, तो इसकी इमेज वहां और इसकी इमेज यहाँ, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है वाई, और इसकी इमेज ऑफकोर्स एक्स डिस्टेंस पीछे बनेगी, तो एक्स वुड हैव टू बी ग्रेटर देन वाई, इजंट इट? देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी. मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी इमेज को इस मिरर के भी पीछे पहुंचा दिया, और वो डिस्टेंस x होना चाहिए बिकॉज इस मिरर से x डिस्टेंस सामने तुम्हारा ऑब्जेक्ट था. फिर यहां पर बोला हुआ है कि यार y is this distance, तो x automatically comes out to be greater than y, हाँ कि ना? Got it. Repeat करूँगा. Should I repeat what I just said? No, no, sir, I got it. Okay. मुझे दोनों की इमेज दोनों के फाइनली पीछे पहुंचानी है, तो ये ज्यादा पीछे, तो इसके भी पीछे पहुंचा दो. अब देखो, अब यहां पर क्या है, for this mirror, the focal length is positive. इस मिरर के लिए focal length positive है, और हमें क्या चाहिए कि भाई यहाँ पर तुम्हारी इमेज बन जाए, तो I2 भी यहीं पर बनानी है तुम्हें. I2 should also form at this position, and ये जो distance है, this is x minus y. अब देखो, for M2, हम क्या लिखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट की पोजिशन है, ऑब्जेक्ट की जो पोजिशन है वो है माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई. ये ऑब्जेक्ट की पोजिशन है फॉर दिस x plus y, but negative side पे है. और image की position plus x minus y आती है. Image की position आ जाती है plus x minus y. और जो focal length है, वो obviously positive है इसके लिए. Focal length plus f है. तो अब यहाँ पर mirror formula लगा दो और तुम्हारा काम बन गया. 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f हो जाएगा. तो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या आएगा? 1 upon x minus y plus 1 upon minus of x plus y is equals to 1 by f, ये बन जाएगा. समझ में आया सब लोगों को? Yes. तो इससे तुम्हारा क्या आंसर आएगा मैं बता देता हूँ. So minus x और plus x कट जाएंगे, minus y और minus y मिलके minus 2y हो जाएंगे, और denominator में तुम्हारा क्या हो जाएगा, minus of x square minus y square. तो ऊपर आएगा minus 2y, नीचे आएगा minus of x square minus y square. minus minus काट देना, reciprocal लोगे x square minus y square upon 2y. x square minus y square upon 2y, तो इसका आंसर a आ जाएगा for focal length. हमें focal length निकालना है. आपने जो first diagram दिया था उसमें भी blindly substitute कर देंगे तो भी same answer आता है. हाँ यार, but उसमें feel नहीं आ रही थी कि कैसे हो सकता है, how is it even possible? तो इसलिए मैंने उससे proceed नहीं किया. ठीक है? Yes sir, anyways, I think they meant this to be a theoretical question only. That's why in the question also they didn't give that. कैसे इमेज बन सकती है दोनों की यहाँ पर, है ना? सर एक बार x माइनस वाई बताओ. क्या x माइनस वाई? क्या सर ये कैसे आया? देखो ना, ये टोटल डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, तो इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अच्छा, ओके सर, गॉट इट, है ना? ठीक है, आगे देखते हैं और सवाल क्या है. तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4 के 5 एंड 6, आई थिंक 6th मैंने कर दिया भाई, एक्सरसाइज 4 का 6th मैंने कर दिया था, 5th करके देखते हैं. ये रही हमारी एक्सरसाइज 4. अच्छा, 6th इसको करना ही नहीं, मैंने ये बोला, सॉरी, 5th देख लेते हैं. तो बोलता है एक चोर है जो कि रनिंग अवे इन अ कार विद अ वेलोसिटी इतना इतना, और पुलिस की जीप है जो उसका पीछा कर रही है, और उस पुलिस की जीप को चोर ने देख लिया उसके रियर व्यू मिरर में जो कि कॉन्वेक्स है और उसकी फोकल लेंथ दे दी है. इसने देखा कि जीप इज मूविंग टुवर्ड्स हिम विद अ सर्टेन वेलोसिटी. इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर फॉर द जीप एट दैट टाइम इज 1/10, मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर फॉर द जीप, कि भाई जीप का मैग्निफिकेशन 1/10 है, तो स्पीड जो एक्चुअल स्पीड है जीप की वो क्या है? समझ गए. तो सर बेसिकली माइनस v by u दिया है. माइनस v by u की वैल्यू दी है, और एक और चीज दी है, मिरर के रिलेटिव इमेज की वेलोसिटी दी है. क्योंकि ये देखो, जो चोर है वो मिरर के साथ मूव कर रहा है, तो चोर के लिए मिरर रुका हुआ है, हाँ कि ना? क्या बोलते हो? चोर के लिए मिरर रुका हुआ है, उस रुके हुए मिरर में उसको जीप की वेलोसिटी दिख रही है. तो एक मिनट रुक जाओ, मैं इसका पूरा तुम्हें सॉल्यूशन दे देता हूं.
इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स एन इजी क्वेश्चन ओनली, बस वही थोड़ा सा रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा तुम्हें. तो देखो यहां पे ये रहा हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर, और चोर इसी पे बैठा है, देख रहा है इसमें लगातार चीजें, और ये पूरा इस तरफ जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 20 meters per second. अब देखो, अब यहां पे जीप है पुलिस की, ये किसी स्पीड से तो आ रही है, इसको बोल दो V1, ठीक है. और थीफ को मिरर के रिलेटिव, थीफ को मिरर के रिलेटिव इमेज अपनी तरफ कितने स्पीड से आते हुए दिख रही है, 1 centimeter per second से. तो इसके हिसाब से 1 centimeter per second से इमेज इसके पास आ रही है. अभी बताओ, पहले तो पुलिस की जो कार है उसकी इमेज मिरर के बिहाइंड बनेगी कि फ्रंट बनेगी, कहां बनेगी? मिरर के बिहाइंड, ऑफ कोर्स बिहाइंड, बिकॉज हमारे पास किस तरह का मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसलिए बिहाइंड ही बनेगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं भाई. तो अब देखो तुम्हें क्या क्या चीजें दी हुई हैं. ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है पुलिस की गाड़ी का, ये नहीं दिया, ठीक है भाई. तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं दिया, तो इमेज का डिस्टेंस भी नहीं फाइंड कर सकते, बट वी अपॉन यू की वैल्यू दे रखी है. सो जो मैग्निफिकेशन है, ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव होगी फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर, द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव. ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाता है, तो जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है इसकी, दैट इज पॉजिटिव, एंड उसकी वैल्यू 1/10 है, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई यू. तो यू नेगेटिव है यहाँ पर, बिकॉज ऑब्जेक्ट पीछे है, यू नेगेटिव ऑब्जेक्ट पीछे है, एंड वी पॉजिटिव आएगा. ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दिया हुआ है, तो वी अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा. तो यहां पर अब जो इमेज है, ये रही इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये हमारे को दे रखी है 1 meter per second. दिस इज 1 meter per second. अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से सुनना. अगर मैं इस पे बैठ जाऊं, और मुझे ये ऑब्जेक्ट अब आते हुए दिख रहा है अपनी तरफ विद द रिलेटिव स्पीड ऑफ v1 माइनस 20, रुके हुए मिरर के रिलेटिव इसकी स्पीड v1 माइनस 20 हो जाएगी. सो विद रिस्पेक्ट टू मिरर अगर मैं सॉल्व करूं, विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो मुझे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो दिखती है प्लस v1 माइनस 20, और जो इमेज की वेलोसिटी दिखती है मुझे विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वो मुझे दिखती है माइनस ऑफ 1 meter per second. और हमें तो पता है भाई कि भाई लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी में लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पिक्चर में आती है. सो इमेज की वेलोसिटी इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इनटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी. और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होती है? माइनस ऑफ वी बाई यू द होल स्क्वायर. तो यहां पर आ जाएगा माइनस ऑफ वी बाई यू द होल स्क्वायर इनटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी. अब यहां पर v by u का whole square क्या आएगा? 1/100 आ जाएगा. तो यहाँ पर आ जाएगा -1/100 into object की velocity. Object की velocity है v1 -20, और image की जो velocity हमें दिख रही है वो है -1. तो वो यहाँ पर substitute करो. तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा? सबसे पहले तो minus minus काट दो, कट गया. v1 -20 is equal to 100, तो v1 की value 120 आ जाती है. v1 की value 120 आ जाती है with a positive sign. तो इसका मतलब क्या है? ये जो jeep है इसकी actual speed 120 मीटर पर सेकंड होगी. आंसर यही दिया गया, एक बार चेक करो. इज दिस द आंसर? 21 मीटर पर सेकंड. अबे 21 दिया है, तो मतलब यहां पर ये 1 हो जाता है और ये उस तरफ जाके 21 हो जाता है. एक मिनट, कैसे? अरे यार, हमने यूनिट्स का लोचा कर दिया. यहां पर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है. हां यार, सॉरी. तो यहां पर दिस इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, जिसको अपने को 0.01 मीटर पर सेकंड लिखना पड़ेगा. तो ये जो है, दिस इज 0.01 मीटर पर सेकंड, एंड यहां पर माइनस ऑफ 0.01 आएगा. तो अब ये 100 इधर पे मल्टीप्लाई होगा, तो
वन बनेगा फिर उस पर 21 बन जाएगा वो, तो यहाँ पर ये प्लस 21 मीटर्स पर सेकंड हो जाएगा। अब सही है, हमने यूनिट्स का लोचा कर दिया था, अदरवाइज जा तो एकदम सही रहेगा। समझ में आया भाई सब लोगों को? देखो मैं रिपीट करता हूँ क्या किया है मैंने। मिरर अनफॉर्चुनेटली चल रहा है यहाँ पे, चलते हुए मिरर वाले सवाल कैसे करते हैं, मिरर पे बैठ के सॉल्व करते हैं। मिरर पे बैठ के तो ऑब्जेक्ट की हमारी तरफ स्पीड जो जाएगी वो v1 माइनस 20 हो जाएगी, बिकॉज हम खुद 20 की स्पीड से जा रहे हैं। ये सबको क्लियर होना चाहिए कि मिरर के हिसाब से, मतलब चोर के हिसाब से जीप की स्पीड v1 माइनस 20 हो जाएगी, वेयर v1 इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ द पुलिस कार। अब इस चोर के हिसाब से या फिर इस मिरर के हिसाब से इमेज इस तरफ आते हुए दिखती है और यहां पर Sir, you are not audible. हाँ यार सुन पा रहे हो? Yes. हाँ एक मिनट रुको। Yes. स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes sir. ओके तो यार मैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ही दे रहा था बट पता नहीं कब डिस्कनेक्ट हुआ, तो पूरा मैंने समझा तो दिया था ना वैसे तुम लोगों को? Yes sir. ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। किसी को डाउट है इसमें, ए पार्ट में? सर इसमें फोकल लेंथ काम आया क्या? फोकल लेंथ अभी तक तो काम नहीं आया यार, नो इट वाजंट यूज्ड एनीवेयर। वो शायद अगले उसमें शायद काम आ जाए, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा अपने को। तो अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट तुमसे क्या बोल रहा है, किस रेट पे मैग्निफिकेशन चेंज हो रहा है? ये ऑफ कोर्स ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है। बाय डिफॉल्ट मैग्निफिकेशन मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बाय डिफॉल्ट, ठीक है? तो यहां पर द रेट एट विच मैग्निफिकेशन इज चेंजिंग ये हम कैसे निकालेंगे, तो हमें डेरिवेटिव लेना है माइनस वी बाय यू का, माइनस वी बाय यू का डेरिवेटिव लेना है। अब यहां पर यार हमें इमेज की पोजीशन मालूम है क्या? नहीं, इमेज की पोजीशन नहीं मालूम। ओके जस्ट टेक मिनट रुको। वी टेक वी एज अ फंक्शन ऑफ यू एंड एफ और यू एज अ फंक्शन ऑफ वी एंड एफ एंड एफ इज कांस्टेंट सो देन वी कैन भाई सब करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं सबसे पहले तो 1 अपॉन यू को लिख देते हैं 1 बाय एफ माइनस 1 बाय वी। तो ये जो 1 बाय यू है इसको लिख देते हैं, जो तुम्हारा 1 बाई यू है उसको लिख दिया 1 बाई एफ माइनस 1 बाई वी। अच्छा बताओ व्हाट एग्जैक्टली इज वी? वी इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सम रैंडम पॉइंट की डिस्टेंस ऑफ इमेज रिलेटिव टू द मिरर। क्या होता है वी? वी क्या चीज है? रिलेटिव टू द मिरर डिस्टेंस ऑफ इमेज, रिलेटिव टू द मिरर, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर मेरे पास कहेगा d by dt ऑफ माइनस वी बाई एफ प्लस 1 ये आ जाएगा। अब इसका जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 1 बाई एफ इंटू माइनस डी वी बाई डी टी, सही है? अभी देखो डी वी बाई डी टी का मतलब क्या है, मिरर के रिलेटिव इमेज की जो पोजीशन है वो किस रेट से चेंज हो रही है। इट्स अ पॉजिटिव डिस्टेंस और वो पॉजिटिव डिस्टेंस लगातार घटते जा रहे हैं। So, ये वाली जो क्वांटिटी है ये माइनस 0.01 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आएगा 1/10 मीटर्स इनटू माइनस ऑफ
0.01 meters per second. तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 0.001. यही आंसर दिया क्या? Yes. So इस रेट से तुम्हारा मैग्निफिकेशन चेंज हो रहा है. Is it a positive rate or a negative rate? Positive rate. Positive. इसका मतलब मैग्निफिकेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है. बढ़ रहा है. मैग्निफिकेशन बढ़ रहा है और ऐसा होना भी चाहिए बिकॉज क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आएंगे इस मिरर के, देखो ना ये ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है तो ये धीरे धीरे नजदीक आएगा इस मिरर के, तो धीरे धीरे मैग्निफिकेशन बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे मैग्निफिकेशन बढ़ना चाहिए तुम्हारा. इज दैट राइट? यस सर. देखो इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज है वो फोकस पे मीट करती है, डॉट बनता है एकदम. बीच में कहीं पर भी रखोगे धीरे धीरे तुम्हारी इमेज थोड़ी थोड़ी बड़ी आने लग जाती है ना. किस तरफ आती है? फोकस की राइट पे आती है कि फोकस की लेफ्ट पे आती है? कहां आती है इमेजेस? कॉन्वेक्स के लिए लेफ्ट पे. यहां कहीं आती है इमेजेस, है ना? ठीक. तो जैसे जैसे ये पोल के नजदीक आएगा इमेज धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी. सो मैग्निफिकेशन इज इंक्रीजिंग. ओके अच्छा यार एक काम करते हैं इसके बाद की जो भी. हाँ बोलो बोलो सर. मुझे एक नहीं समझ आया, माइनस डीवी बाई डीटी में हमने माइनस 0.01 क्यों डाला? मतलब रिलेटिव वेलोसिटी थी ना वो. हाँ करेक्ट करेक्ट. देखो माइनस तो अलग से मैंने लिख दिया, अब डीवी बाई डीटी के बारे में बात करते हैं. ये बताओ सबसे पहले इस मिरर के रिलेटिव वी जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है कि एक नेगेटिव नंबर है? पॉजिटिव सर. पॉजिटिव. और वो वी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है? ये इमेज जो है नजदीक आ रही है मिरर के कि दूर जा रही है? सर इट्स कमिंग क्लोज. क्लोजर. तो वी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, अग्री करते हो? यस सर. तो डीवी बाय डीटी को मुझे क्या लिखना चाहिए, नेगेटिव लिखना चाहिए कि पॉजिटिव लिखना चाहिए? सर नेगेटिव ना. हाँ क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है तो डीवी बाय डीटी को मैंने नेगेटिव लिखा. सही है सर. आई अंडरस्टूड द कैलकुलेशन पार्ट बट व्हाई आई वाज आस्किंग व्हाई आर वी टेकिंग द रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब इमेज वेलोसिटी. समझ गया समझ गया. देखो देखो हां हां देखो यहां पर यू और वी जो होते हैं आर दे द डिस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम एनी फिक्स्ड पॉइंट इन स्पेस कि आर दोस रिलेटिव टू द पोल ऑफ द मिरर? किसके रिलेटिव होते हैं सर? पोल ऑफ द मिरर मतलब मिरर के रिस्पेक्ट में होते हैं. तो वी इज रिलेटिव डिस्टेंस. अब उस रिलेटिव डिस्टेंस का डेरिवेटिव लोगे तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी. हाँ कि ना? अच्छा ओके सर अंडरस्टूड. थैंक यू सर. ठीक. कोई और डाउट किसी को इस सवाल में? देखो दिस इज अ गुड क्वेश्चन यार, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. ये सबको समझ में आना चाहिए. ठीक है अब एक काम करता हूं मैं. किसने तो यार मुझे व्हाट्सएप पे सुबह एक डाउट भेजा था, आई जस्ट क्लियर दैट एंड फिर क्लास एंड करते हैं. हाँ यार बोलो. मैंने शुरू में बोला था आई क्लियर योर डाउट. एक बार ग्रुप पे भेजोगे क्या क्या डाउट्स भाई? हाँ सर. सर मैंने आपको व्हाट्सएप में भेजा है. हाँ ग्रुप पे भेज दो ना, बाकी सब लोग थोड़ा देख लेंगे, अदरवाइज लोग सोचेंगे क्या चल रहा है. बाकी के जो होमवर्क 3 क्वेश्चंस हैं मैं कल सुबह की क्लास में डिस्कस कर दूंगा. सर मैंने भेजा. हाँ ठीक है एक मिनट. अरे ये वाला क्वेश्चन तो मैंने किया है ना क्लास में, नहीं किया? हाँ सर पर, हाँ सर किया है पर मेरे को वो समझ में नहीं आया सर उसका वेलोसिटी का, इमेज की वेलोसिटी का रिजोल्यूशन. देख परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला उसके बाद नहीं आ रहा सर. नियर क्लोजर टू द बिगिनिंग. क्या क्या क्लोजर टू? I think this was like these types of somewhere that like closer to the beginning. अच्छा तो देखो anyways यहाँ पर ऐसा फंडा यार कि ये नीचे आ रहा है तुम्हारा ऑब्जेक्ट. So is that ना like yes sir perpendicularly it will have the same velocity. हाँ अब देखो यहाँ पर ऐसा फंडा है कि ये 10 मीटर पर सेकंड है, ये ऑब्जेक्ट है, perpendicular distance of the object from the mirror उतना ही perpendicular distance पीछे image बन जाएगी. हाँ ये object अभी देखो यहाँ पर सिंपल फंडा है, ऑब्जेक्ट जहां टकराना चाहेगा मिरर पे इमेज भी वहीं टकराना चाहेगी मिरर पे. सही बात है? हाँ सर. तो ट्रिक क्या है यहाँ पर कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर पे
तो इमेज की वेलोसिटी इधर पे हो जाएगी, समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब देख भाई यार, म्यूट कर लो, काम करो, म्यूट कर लो। हाँ सर। यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ऐसा फंडा है कि तुम्हारा जो ये वाला एंगल है, कौन सा वाला एंगल? सर स्लैंट 30 डिग्री है। स्लैंट वाला एंगल 30 डिग्रीज है ना? तो भाई हाँ, यहाँ पर क्या होगा मैं बताता हूँ तेरे को। ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ ये 30 डिग्री आ जाएगा, परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो ये 60 डिग्री आ जाएगा, है ना? हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल 30 डिग्री है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है तेरा सर। कौन सा? हाँ स... है ना? हाँ सर। ये वाला क्या है सर? लोग इसको मैं दूसरे किसी तरीके से बताता हूँ। अच्छा हाँ सर, आया सर समझे, अल्टरनेट एंगल्स। हाँ या फिर ऐसे कर ले, देख यहाँ पर एक लाइन बना, यहाँ पर एक लाइन बना, ये 30 डिग्री है। हाँ सर। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा 60, तो ये 30 आ जाएगा। हाँ कि ना? 30 60। हाँ सर। तो अब देख ये एंगल 30 आ गया, और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एकदम सेम है, तो ये भी 30 आ जाएगा क्या? 30 डिग्री। हाँ सर। अब देख यहाँ पर एक काम कर, ये जो वर्टिकल लाइन है और जो नॉर्मल है, इनके बीच का एंगल निकाल ले। ये एंगल तेरे को मालूम था 30 था, और ये एंगल तेरे को मालूम था 60 डिग्री आया था, हाँ कि ना? तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला 30 डिग्री आ जाएगा, हाँ कि ना? तो दिस एंगल इज 30 डिग्रीज। तो ये जो इमेज है, इमेज वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल पे जा रही है, इमेज वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल पे जा रही है, और मिरर पे बैठ नहीं आया अभी, अभी नहीं आया समझ में क्या बोल रहा। मैं रिपीट करता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ, जस्ट एक मिनट रुक। देख यहां तक ये समझ में आया तेरे को कि ये एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल भी 30 होगा, पता? क्यों? बिकॉज ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का मिरर से, इमेज का भी उतना ही डिस्टेंस होगा। हाँ सर, आ रहे, हाँ सर, आया समझ में। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ये 30 डिग्री एंगल होगा। अब देख मैं देखता हूँ कि वर्टिकल से ये नॉर्मल लाइन क्या एंगल बनाती है। ये आ जाएगा मेरे पास 30 डिग्री, ये मेरे पास आ जाएगा 30 डिग्री, देख लेना। हाँ तुम कैसे करें? तो वर्टिकल से ये नॉर्मल लाइन 30 डिग्री एंगल बनाती है, और देखो, हाँ प्लेन मिरर के केस में क्या होता है कि अगर तुम मिरर पे बैठ जाओ तो तुम्हें ऑब्जेक्ट 10 की स्पीड से आते हुए दिख रहा है, तो इमेज भी 10 की स्पीड से आते हुए ही दिखेगी, उसकी वेलोसिटी अलग नहीं होती है प्लेन मिरर के केस में। स्फेरिकल मिरर्स के केस में अलग अलग हो सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की अलग दिख रही है, इमेज की अलग दिख रही है, इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, बट प्लेन मिरर के केस में सेम होता है। तो यहाँ पर मेरे को क्या क्या मिल गया कि 10 की स्पीड से हमारी इमेज आते हुए दिखेगी हमें वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल पे, हाँ कि ना? सही बात है, वर्टिकल से सर। हाँ सर, जिसे ये समझ में नहीं आ रहा वर्टिकल से कैसे 60 हो रहा है। क्या ये एक वर्टिकल लाइन है? इज दिस द वर्टिकल लाइन? वर्टिकल लाइन, यस सर। वर्टिकल से ये जो VI वेक्टर है, इसका नेट एंगल क्या होगा भाई, बताइयो? 60 डिग्री। यहाँ पर क्या लिखा मैंने? 60 डिग्री। अब समझ में आया? हाँ सर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में अगर ब्रेक डाउन करना हो तो V cos 60 ऊपर और V sin 60 पीछे, V sin 60 पीछे और V cos 60 ऊपर, हाँ कि ना? हाँ सर। V by 2 ऊपर और V root 3 by 2 पीछे, तो ये माइनस आई कैप में और ये प्लस डी कैप में, खत्म की। अच्छा नहीं, एक्चुअली इन्होंने क्या दिया है, इस डायरेक्शन को ही, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव आई कैप दिया है, इस डायरेक्शन को ही पॉजिटिव आई कैप दिया है, और इस डायरेक्शन को ही पॉजिटिव जी कैप दिया है। तो वी रूट थ्री बाई टू पॉजिटिव आई कैप एंड वी बाई टू पॉजिटिव जी कैप। अब समझ में आ गया पूरा? हाँ सर। और ओके सर। और सर उन लोगों ने जो 30 का यूज किया वो कैसे किया है सर? कौन सा 30? ये वाला 31, ये वाला 32? नहीं सर, उन लोग ने कैसा किया है, 10 साइन 30 और 10 कॉस 30 वो यूज किया, अपन ने 60 यूज किया है ना। अरे भाई इन्होंने हॉरिजॉन्टल से एंगल निकाल लिया इसके, इन्होंने हॉरिजॉन्टल से एंगल निकाल लिया, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल आएगा वो 30 डिग्री आएगा, इन्होंने वैसे कर लिया। ओके सर। और हम लोगों ने वर्टिकल से, हम लोगों ने वर्टिकल से निकाल लिया, क्या ही फर्क पड़ता है, है ना? हाँ सर। ओके सर। सर ऐसा एक और एक दो सम करा दो ना सर अभी। यार मैंने करवाए हैं क्लास में ऐसे टाइप के सवाल, बहुत सारे करवाए।
होमवर्क डिस्कशंस में करवाएं क्योंकि सर मेरे को मतलब इसमें कंफ्यूजन हो रहा था. होमवर्क नंबर 2 का डिस्कशन देखो एक बार. होमवर्क नंबर 2 का डिस्कशन जो था उसमें मैंने करवाए ऐसे सवाल. ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पे टकराएगा इमेज भी उसी पॉइंट पे टकराना चाहेगी तो इससे डायरेक्टली डायरेक्शन मिल जाती है, इससे सीधा डायरेक्शन मिल जाती है इमेज की वेलोसिटी की. ठीक है, ब्रेक डाउन नहीं आ रहा था सर वो 60 आई कैप और वो बस. समझ गया. चलो कोई नहीं, चलो यार दैट्स इट फॉर टुडे. कल सुबह की क्लास में मिलते हैं. सी यू गाइस, बाय. ओके सर, बाय सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर.